गढ़वा जिला में जिस तरह विकास के साथ साथ खेल को बढ़ावा देने की बात जहां तक बात है, तो जिला उपायुक्त रमेश घोलप की प्रतिबद्धता देखते बनती है। आज छुट्टी का रोज है, रविवार है, सबकी छुट्टी होती है, उसके बाद भी कल्याणपुर जो जिला मुख्यालय से दूर पड़ता है वहां पर पहुंचे और ग्रामीण इलाके में खेल का आयोजन किया गया था। मौलाना आजाद फास्ट टूर्नामेंट का आयोजन आज फाइनल का रोज है। आपने देखा कि किस तरह खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर इस खेल आयोजन के समापन की शुरुआत करेगा। हमारे साथ उपायुक्त है, लगातार विकास के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता आपकी लगातार नजर आती है, चाहे जिला मुख्यालय सुदूर देहात। यहाँ पर चौथा सीजन है और यहाँ पर शुरुआत फाइनल का रोज है, आप यहाँ पर क्या छुट्टी कर? देखिए, ये जो यहाँ के युवा खिलाड़ी है क्रिकेट से जुड़े हुए, ये जो मौलाना आजाद कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये चौथा साल है और मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि जिस तरह से इसकी टीम की भी और इसमें जो उपस्थित दर्शक है उसकी संख्या देखते हुए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स इस टूर्नामेंट को भी मिल रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पे भी क्योंकि क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो हम यहाँ पे आए थे फाइनल देखने के लिए। काफी अच्छा खेल यहाँ पे हो रहा है और खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के लिए सरकार के भी जो निर्देश रहते हैं उसके अनुसार हमेशा जिले के क्रीडा पदाधिकारी और प्रशासन प्रयास करता है। इस मैदान को लेकर भी कुछ बातें कुछ सुझाव उन्होंने दिए, हम लोग प्रयास करेंगे उसको अच्छे तरीके से। आप देखा कि किस तरह खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार इनकी प्रतिबद्धता देखते बनती है। हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि वो खेल में उनकी प्रतिबद्धता कितनी है, खेल में कितना रुचि दिखाते हैं, क्योंकि वो एक खुद खिलाड़ी रहे हैं। एक खिलाड़ी रहने के नाते वो जहाँ भी खेल का आयोजन होता है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो या ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह मौजूद रहते हैं। वही वानगी आपको देखने मिली। हमने शुरुआत में कहा कि विकास के साथ साथ जिले में कैसे विकास हो, साथ ही खेल का कैसे विकास हो, ऐसी प्रतिबद्धता उनकी देखते बनती है। तो हम चाहेंगे किसी तरह उनकी जो कटिबद्ध है खेल को बढ़ावा देने के लिए वो उसमें निरंतरता बनी रहे, ताकि गढ़वा जिला जहाँ पर युवा में खेल को लेकर खासी देखी जाती है कि प्रतिभा उनमें है, और उसी प्रतिभा को निखारने के लिए ही इस तरह के आयोजन में शरीक हो रहे हैं, तो युवाओं में खेल के प्रतिभा और निखरेगी। और जिस तरह आज ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी इलाके में भी जो खेल का आयोजन होता है, जहां पर जो खेल में पार्टिसिपेंट करते हैं प्रतिभागी, वह जीत हासिल करते हैं, यही प्रतिभागिता उनमें बनी रहे और हुनर उनमें आता रहे, साथ ही पारंगत खेल में होते रहें और आगे चलकर बड़ी प्रतियोगिताओं में वह हिस्सा लें और वहां पर पारितोषिक हासिल करते हुए अपने गांव का, अपने जिले का और राज्य का नाम रोशन करें। कैमरामैन दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।